हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड ब्यूटी विद वैष्णवी में आप सबका स्वागत है दिस मेकअप इज अबाउट संक्रांति क्विक ईजी छटपट वाला मेकअप सो इस मेकअप को अचीव करने के लिए मैंने क्या क्या किया है कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और वट आर द स्ट्रेटेजीज आई हैव यूज स्टे टून फॉर द वीडियो एंड कीप वॉचिंग आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा इस चीज के लिए एंड चलो लेट्स गेट स्टार्टड सबसे पहले हम क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग पार्ट से स्टार्ट करेंगे क्लेंजिंग के लिए आई हैव टेकिंग गुड वाइप्स चारकोल फेस वॉश एंड फॉर टोनर आई एम टेकिंग गुड वाइप्स रोज ग्लो टोनर एंड इट्स अ वेरी गुड टोनर आराम से आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं बहुत अच्छा है फ्रेग्रेंस अच्छी है एंड फॉर कंसीलर आई विल बी यूजिंग द स्विस्ट ब्यूटी कंसीलर इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर और इसमें रियल बेस मेकअप बेस कंसीलर है थोड़ा सा शिमरी है और इट फिक्सेज अप योर फाउंडेशन बहुत अच्छे से फाउंडेशन को एकदम फिक्स कर देता है और थोड़ा सा शिमर पार्टिकल भी है तो एक नेचुरल ग्लो रहता है आपके फेस में आफ्टर एप्लीकेशन आप जैसे देख सकते हैं सो इट्स वेरी गुड और पीपल डोज हैव टू मच ऑफ यू नो ऑयली स्किन मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ये यूज करें प्राइमर एज अ प्राइमर आप यूज करें बिकॉज ये थोड़ा सा स्टिकी है सो आई रियली डोंट थिंक सो उनको यू नो सूट करेगा इन दैट केस बट येस फॉर ड्राई स्किन इट इज परफेक्ट एंड फॉर नॉर्मल स्किन ऑल्सो इट दिस प्राइमर इज परफेक्ट नेक्स्ट आई एल बी टेकिंग अ कंसीलर ऑफ ओलिविया विच इज जीरो सेवन लाइनिंग येलो इट इज एन येलो फॉर्म एंड थोड़ा बहुत कंसीलिंग मैं कर ले रही हूं बिकॉज आई हैव सम लाइक पिम्पल्स वेरी स्मॉल पिंपल्स सो बेटर है कि अगर आपको पिम्पल्स हैं या यू नो थोड़ा सा रेडनेस है या स्पॉटिंग है या कुछ है सो so आप लगा लें आप चाहे तो विद द हेल्प ऑफ ब्रश ऑल्सो यू कैन अप्लाई इट आप बट ये थोड़ा सा इट्स वेरी आई वोट से वेरी क्रीमी है या कुछ है बट uh, ये बहुत ही आराम से आपके हाथ में आ जाता है सो so ब्रश से मैं इतना ज्यादा कन्वीनियंटली आई डोंट थिंक दैट आई एम वेरी मच यूज टू ऑफ इट सो ये मैं विद हैंड्स विद द हेल्प ऑफ हैंड्स ओनली आई अप्लाई इट अ नेक्स्ट आई एल बी यूजिंग मिस रोड्स फाउंडेशन और बहुत अच्छा फाउंडेशन है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है द शेड इज इन द बेज मैं डायरेक्टली ट्यूब से ही लगा ले रही हूं आप चाहे तो यू नो बाद में धीरे धीरे करके बिल्डअप कर सकते हैं काफी अच्छा इसका कवरेज भी है आई एम टेकिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर इन ऑर्डर टू ब्लैंड ब्लैंडेड अप थोड़ा सा वाइटिश लग रहा होगा बट येस इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड आफ्टर समाइम यू विल सी कि यह पूरा फेस में नेचुरल हो जाएगा फॉर कंसीलिंग आई एल बी यूजिंग स्विस ब्यूटी माई फेवरेट कंसीलर एंड मैं बहुत ज्यादा कंसील तो नहीं करूंगी बिकॉज इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ हाई कवरेज फाउंडेशन सो आई जस्ट कंसील अ लिटिल बेट अंडर आई एरिया पे जल्दी से इसको ब्लेंड कर लेते हैं सिंस इट्स नॉर्मल मेकअप तो आप चाहें तो थोड़ा सा आई शेडो के लिए ऊपर आप कंसीलर अप्लाई कर लें उसे लेडो अच्छे से स्टिक हो जाएगा अगर आपका फाउंडेशन आपके लिप्स में लग गया है सो डोंट वरी गाइस इट मेक्स योर लिपस्टिक मैट ये नहीं कि आप उसको कपड़े से आप उसको पोचने लग जाए सो इट्स ओके इट्स परफेक्टली फाइन एंड जस्ट ब्लेंड इट अप परफेक्ट नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग अ फिट मी कॉम्पैक्ट एंड uh, जो भी आपने फाउंडेशन लगाया है आप उसको सेट कर लें आप चाहें तो स्पॉन्ज uh, से भी uh, सेट कर सकते हैं मैं ब्रश से सेट कर रही हूँ अंडर आईज में स्पेशली सेट करें और बाद में तो यू विल यूज अ ट्रांसल्यूजन पाउडर बट अपार्ट फ्रॉम दैट पहले उसको पाउडर से सेट कर लेना बहुत जरूरी होता है सिंस आई एम वेरिंग अ ग्रीन रे सो आई विल यूज मे ग्रीन कलर आई शेडो और इट्स अ सिंगल आई शेडो और प्लस थोड़ा सा मैं ब्राउन एंड ब्लैक का मिक्सचर मैं यूज करूंगी एडीएस के पैलेट से सो स्पेशली फॉर क्रीज लाइन आई बी टेकिंग अ ब्राउन अ डापर डीपर वर्जन ऑफ ब्राउन शेड फॉर माय क्रीज लाइन और जिनकी हुडेड आईज हैं ऑलवेज स्टार्ट द क्रीजिंग और द कंटूरिंग पार्ट थोड़ा ऊपर से ताकि आपकी आईज थोड़ा सा यू नो ब्रॉडर लगेंगी and I'll definitely share a detailed video on hooded eyes because you know eye makeup plays a very important role. agar aap kaisa bhi makeup karte ho lekin aapka eye shadow uh, mixing ya color you know complexion and everything is not perfect, तो फिर uh, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ makeup में कमी रह जाती है. So guys it's not I would say uh, जैसे hooded eyes हैं different uh, types के eyes होती हैं big eyes होती हैं. So उस केस में Uh, हमें कैसा मेकअप करना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ यू नो चीजें हमें यूज करनी चाहिए कंसीलर कैसे यूज करना चाहिए ब्रश कैसे यूज करना चाहिए आई विल शेयर इट विद यू इन माई डिटेल वर्जन वीडियो सो थोड़ा सा डीपर वर्जन अब ब्राउन uh, का हम लेंगे अब हमने सेम ब्लेंडिंग ब्रश से ग्रीन कलर का जो आई है उसको हम लगा रहे हैं हम चाहें अगर आप चाहें स्पेसिफिकली तो आप पहले एक क्रीज लाइन ड्रॉ करके देन यू कैन एड अ ग्रीन कलर पिगमेंट। आई हैव यूज एनवाई बे काजल और मैंने उसको ब्लेंडिंग ब्रश से स्मैच कर लिया है और द सेम काजल थोड़ा सा मैंने अपने एज अ आई मैंने लगा लिया है एंड यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी की आप थोड़ा सा काजल लगाओ उसी को जस्ट स्मच कर लो और देखिये काजल मैंने बहुत पतला लगाया है इनफैक्ट ना के बराबर ही लगाया है और उसको स्मच कर दिया है जस्ट कि लगे कि हाँ बस मैंने लाइनर uh, लगा लिया है आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ आईब्रो यू नो पाउडर और लाइनर और समथिंग आई एम जस्ट कीपिंग इट नेचुरल और जिनको शौक है वो डेफिनेटली कर सकते हैं फॉर ब्रॉन्जिंग आई एम यूजिंग एल्फ ई एल एफ का ब्रॉन्जर आई एम यूजिंग अ पाउडर बेसिकली फॉर कॉन्टूरिंग एंड आई कॉन्टोर माई चीक एंड माई चिन एरिया लिटिल बिट पाउडर कॉन्टोर्स थोड़े ज्यादा मुझे सही लगते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा हार्श लाइन्स नहीं देते हैं एंड दे गिव यू अ वेरी गुड लुक क्योंकि इजीली ये ब्लेंड हो जाते हैं एंड हमें जैसा भी कॉन्टूरिंग चाहिए वैसा मिल जाता है सो नाव फॉर चीक्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में यू माइट फील कि ज्यादा है बट बाद में सही हो जाता है थोड़ा फोरहेड में भी कर सकते हैं अभी देखिए यहां पे जैसे थोड़ा ज्यादा लग गया राइट सो यू कैन जस्ट आप हाथ से पाउडर कंटूर को आप सही कर सकते हो सेटिंग द कॉन्टोर आप नीचे जो भी वाइट पाउडर होता है जैसे या ट्रांसलूजन पाउडर है आप वो भी लगा सकते हैं फॉर नॉर्मलाइजिंग द लुक ओके एंड जस्ट लाफ लाइन्स में क्योंकि लफ लाइन्स में बहुत ज्यादा रहता है और अंडर आईज में ताकि मेकअप आपका स्टिक ना करे और uh, स्टे करें फॉर ब्लश आई एम यूजिंग बॉबी ब्राउन पिंक कलर ब्लश एंड पर्सनली मुझे ये ब्लश बहुत ज्यादा पसंद है मैं थोड़ा सा ब्लश इधर लगा रही हूँ बिकॉज यू नो बहुत ज्यादा आगे लगाओ सो माई फेस लुक लिटल बिट यू नो ब्रॉडर सो पीपल हु हैव यू नो राउंड एंड बिगर फेस देन वो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा आगे तक ब्लश आप ना लेकर आए बहुत अननेचुरल लग जाता है वो एंड पिंक कलर इज ऑलवेज ऑन डिमांड क्योंकि पिंक कलर के ब्लश पिंक चीक्स काफी अच्छे लगते हैं एंड आई एल बी यूजिंग अ पिंक कलर ऑफ लिपस्टिक आई एम यूजिंग मे ब्ली दिस इज मैट लिपस्टिक सुपर स्टे मैटिंग लिपस्टिक और uh, मैं यही वाला शेड यूज करूंगी बिकॉज आई एम वेरिंग अ ग्रीन ड्रेस सो ऑन द होल अगर देखा जाए सो इट विल गिव यू अ वेरी गुड लुक विद्रीन कलर आई शेडो एंड ब्लैक काजल सो मुझे ये अच्छा लगता है आप चाहें तो ब्राउन और पीच कलर का न्यू लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हैं दैट विल ऑल्सो सूट यूर अटायर विद विद यू नो ग्रीन कलर ड्रेस सो आई हैव अप्लाइड द लिपस्टिक एंड फॉर हाईलाइटर आई विल यूजिंग एस ए फर हाईलाइटर इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज अ लिक्विड हाईलाइटर ऑल्सो सो हाईलाइटर इज लाइक अगर आप चाहें तो यू नो फाउंडेशन में अप्लाई करके भी हाईलाइटर यूज कर सकते हैं इट विल गिव अ नैचुरल लुक बट आफ्टर मेकअप यूजिंग हाईलाइटर गिवस यू अ डिफरेंट लुक सो इन दैट केस यू नो आप इट हैव अ वेरी गुड अपियरेंस थोड़ा थोड़ा मैं लगा रही हूँ मैंने नोज बहुत ज्यादा कॉन्टूरिंग नहीं की है सो इफ यू वॉन्ट यू कैन डू इट एंड फॉर शिमरी इफेक्ट आई एम डूइंग इट अप बहुत अच्छा हाईलाइटर है ये एस एफ आर का इट्स वेरी प्राइजी इट कम्स अंडर अराउंड वन थर्टी और वन फोर्टी रुपीज सो इट्स इट्स वेरी गुड आई टुक इट फ्रॉम कप्स एंड लैसेज इफ यू वॉन्ट गेस यू कैन ऑल्सो ट्राई इट सो दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस मेकअप और विशिंग एवरी वन अ वेरी हैप्पी संक्रांति स्टे ब्लेस्ट एंजॉय स्टे सेफ कीप बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले स्टेड यून फॉर द अदर वीडियोज सी यू बाय बाय टेक केयर